सो हेलो दोस्तों, की हालचाल थोड़े सारे आदा को आप तो स्वागत है मेरी नई वीडियो। तो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में क्या बात करेंगे लास्ट सीट्स के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि 2024 के लिए एडमिशन सेशन है सिर्फ 5 से 6 दिन में क्लोज होने वाला है, लेकिन अभी भी कुछ सीट्स है जो CGC में होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए बची हुई है और बहुत सारे बच्चों का डाउट भी आ रहा था बट वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, लेकिन उनको इस वीडियो में पूरी डाउट्स वगैरह में उनको क्लियर कर देता हूँ कि कितने की मतलब आपकी एडमिशन है जो 5 से 6 दिन में क्लोज होने वाली है होटल मैनेजमेंट के लिए। तो चंडीगढ़ एरिया में बेस्ट कॉलेज आपके लिए जो रहने वाले हैं, जो बजट में भी आ जाए, ठीक है, आपका कितने पैसे लगने वाले हैं, कितना आपका बजट रहने वाला है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एडमिशन से रिलेटेड, प्लेसमेंट से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं होटल मैनेजमेंट कोर्स की, कहां से CGC लांडरा से। तो CGC लांडरा के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बता दूं, CGC क्या है, CGC की फुल फॉर्म है चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर 2 कैंपस आते हैं, CGC लांडरा और CGC झंझेड़ी। जो लांडरा एक विलेज का नाम है, झंझेड़ी एक विलेज का नाम है, ठीक है, लांडरा वाला कैंपस लांडरा में इसलिए उसको बुलाया जाता है CGC लांडरा, झंझेड़ी विलेज में कैंपस है इसलिए उसको बुलाया जाता है CGC झंझेड़ी। जो CGC लांडरा है वो सबसे पुराना कैंपस है, ठीक है, कैंपस की बात करें तो 2001 की एस्टैब्लिशमेंट है और NAC का A+ ग्रेड कैंपस है, UGC अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड है, BCI अप्रूव्ड है, PCI अप्रूव्ड है, ठीक है। होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि काफी ज्यादा बजट में आप अपना कोर्स कर सकते हो, सबसे ज्यादा बजट में जहां पे आपको बेस्ट फैसिलिटीज, बेस्ट प्लेसमेंट्स मिल जाएगी, वो आपके लिए CGC लांडरा कैंपस ही रहने वाला है चंडीगढ़ के एरिया में, ठीक है। ऑल ओवर अगर हम बात करें इंडिया में, तो भी आपको CGC लांडरा ही सबसे बेस्ट है जो आपके पास यहाँ पे रहने वाला है। तो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज वगैरह यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, वैसे तो यहाँ पे 43 से भी ज्यादा अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो ऑफर किए जाते हैं, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसे हम प्रोग्राम्स पे जाएंगे तो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस, फार्मेसी सारे कोर्स हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करने वाले होटल मैनेजमेंट की, तो होटल मैनेजमेंट की ब्रांच पे आ जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले अंडर ग्रेजुएट कौन कौन से होटल मैनेजमेंट के अंदर कोर्स है जो ऑफर किए जाते हैं। सबसे पहले बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पे ऑफर किया जाता है, जो कि AICTE अप्रूव्ड वाला कोर्स है। उसके बाद नॉर्मल वाला ऑफर किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें बैचलर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट यहाँ पे ऑफर किया जाता है, BSc ऑनर्स इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स ऑफर किया जाता है। टोटल इन चारों कोर्सेज की जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो 4 साल की रहने वाली है। 3 साल का कोर्स भी ऑफर किया जाता है, जो कि यहाँ पे BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है। उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी भी ऑफर किया जाता है। उसके साथ यहाँ पे डिप्लोमा भी ऑफर किए जाते हैं, 3 डिप्लोमा यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है, उसके बाद बेकरी कॉन्फेक्शनरी। तो जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर से हम बात करें कि अगर आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले जाते हो, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में देखने को मिल जाएगी कि आप यहाँ पे क्या क्या आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहती है, क्यों आप यहाँ पे चूज करने वाले हो, ठीक है, अप्रूव्ड AICTE अप्रूव कोर्स आप यहाँ पे करने वाले, प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम के बेनिफिट्स आपके लिए क्या रहने वाले, कौन कौन सी आप जॉब्स कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप लेते हो होटल मैनेजमेंट वाला कोर्स, तो आपके पास जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग होटल बन सकते हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट किचन ऑनबोर्ड फ्लाइट सर्विसेज में जा सकते हो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग बन सकते हो, GRE होटल बन सकते हो, ठीक है, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन केटरिंग कर सकते हो, फैकल्टी इन होटल मैनेजमेंट एंड फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट में जा सकते हो, ठीक है, शिपिंग एंड क्रूज लाइन में जा सकते हो। तो ये सारे यहाँ पे आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज है जो रहती है। अब किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ता है कि उसको ड्यूरेशन कितनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर यहाँ पे आप होटल मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज्यादा सिंपल रहती है। तो अगर आपने 10+2 अपनी पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम से और किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप डायरेक्टली एडमिशन है जो ले सकते हैं यहाँ पे, ना ही आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा, ना ही कोई मार्क्स की वो है। तो अगर आपने सिर्फ पास भी कर रखी है तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम अगर आपके 45 से 50% मार्क्स भी है तो भी आपकी डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे हो जाती है होटल मैनेजमेंट के कोर्स में, वो भी डायरेक्ट एडमिशन। कोर्स की ड्यूरेशन है जो 4 साल रहने वाली है, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है, पोस्ट ग्रेजुएट की 2 साल रहने वाली है, डिप्लोमा की 1.5 साल रहने वाली है। तो आप ठीक है जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो उसके साथ देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे काफी ज्यादा कम है। अगर बात करें टोटल 4 साल का जो यहाँ पे रहने वाला है कोर्स, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, CGC होटल मैनेजमेंट फीस करके आप सर्च कर लेंगे तो आपके सामने पूरा खुल के आ जाएगा कि कितनी फीस लगने वाली है। हॉस्टल आपका जो 4 साल का कोर्स है तो 4 लाख रुपए आपकी डायरेक्टली है जो हॉस्टल फीस लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो बात करो कि अगर आप इसका कोर्स कर रहे हो तो आपकी अप्रॉक्सीमेट है 3.5 लाख रुपए फीस है लगने वाली है। कितनी? 4 साल की टोटल 3.5 लाख रुपए आपकी वो फीस लगेगी। तो आप मोटा मोटा कंसिडर कर लो कि 4 लाख रुपए आपकी अकेडमिक फीस लग गई, ठीक है, 4 साल की। उसके बाद आपकी जो 4 साल की हॉस्टल की फीस होगी 4 लाख रुपए। तो
तो 8 लाख रुपए आपको टोटल, जिसमें आपका रहना खाना पीना सब कुछ इंक्लूड रहेगा, जिसमें आपका होटल मैनेजमेंट का कोर्स है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक सेमेस्टर की ज्यादा से ज्यादा फीस आपकी कितनी रहने वाली, 50,000 रुपीज। टोटल 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर रहेंगे, एक सेमेस्टर की फीस आपकी ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपीज है जो रहने वाली है। अगर आप किसी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपकी पर सेमेस्टर फीस मिनिमम 90,000 से 1 लाख के बीच रहने वाली, मतलब यहाँ से डबल रहने वाली है। और यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, तो जो सीजीसी लांड्रा की प्लेसमेंट है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइंट प्लेसमेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इनके मालिक है सीजीसी के और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वो सेम है। तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती है वो सेम आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि 900 से भी ज्यादा कंपनीज है प्लेसमेंट के लिए आती है, 9,000 से भी ज्यादा प्लेसमेंट पैकेज है, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 6.5 लाख रुपए का, ये कौन सी, ये जो हाईएस्ट पैकेज है 6.5 लाख रुपए का, ये इस ब्रांच का है होटल मैनेजमेंट का। एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए का एवरेज पैकेज रहता है, हाईएस्ट पैकेज 6.5 लाख रुपए का है। और जो कंपनीज आती है यहाँ पे अच्छी खासी आ जाती है, ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स की अगर बात करें यहाँ पे डोमिनोज आता है, मैकडोनल्ड्स आता है, उसके बाद यहाँ पे ठीक है जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स फ्रेंचाइजी है वो सब यहाँ पे आते हैं। बड़े बड़े होटल जैसे कि ओबेरॉय होटल वगैरह आपको इंटर्नशिप का मौका भी देते हैं जब आपका थर्ड ईयर कंप्लीट होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है कि आप कितना अच्छा स्कोर करते हैं, कितनी अच्छी नॉलेज स्किल्स यहाँ से गेन करते हैं। और मेन बात ये है कि आपको जो सीजीसी लांड्रा से डिग्री मिलने वाली है वो गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री मिलने वाली है, क्योंकि जो सीजीसी लांड्रा है वो पीटीयू अप्रूव है, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव डिग्री आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन की, एडमिशन प्रोसेस आपको मैंने बताई दिया, बहुत ज्यादा सिंपल है। डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाती है अगर आपने 10+2 अच्छे से पास कर रखी है, तो आपकी डायरेक्ट एडमिशन होगी। एडमिशन लेने के लिए डायरेक्ट लिंक्स वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जिसके थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक वगैरह भर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको कॉलेज की तरफ से कॉल आ जाएगी और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगर आपकी एडमिशन है जो कंफर्म होती है तो आपको कॉल करके ठीक है फीस ली जाएगी। जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी एडमिशन है कन्फर्म हो जाए। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस के बेसिस के ऊपर एडमिशन यहाँ पे दी जाती है। एडमिशन सेशन ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, ठीक है, 4 से 5 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। सीट्स भी कमी बची हुई है यहाँ पे एडमिशन के लिए, तो जिन बच्चों को अभी भी होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लेनी है वो एडमिशन ले सकते हो। एक बार एडमिशन क्लोज होगी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। लास्ट वीक ऑफ अगस्त से ऑलमोस्ट आपकी क्लासेस भी है जो स्टार्ट हो जाएंगी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट वीक ऑफ अगस्त से आपकी ऑलमोस्ट क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक बात और आपको ध्यान रखनी है, ऑनलाइन एडमिशन लेते समय किसी प्रकार की भी जो फीस पेमेंट है वो आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर करनी है सीजीसी लांड्रा की। जैसे कि अगर आपकी एडमिशन कंफर्म होती है तो आपकी जो फीस पेमेंट है वो सिर्फ सीजीसी लांड्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पे करें, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स व्हाट्सएप लिंक या कहीं पे भी ना करें, ठीक है। तो ऑनलाइन एडमिशन लेते समय इन सब बातों का खास ध्यान रखें। आई होप आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।